कुछ तथ्य जो दिव्यांग लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र दिव्यांगता को शरीर या दिमाग की एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित करता है जिसमें स्थिति वाले व्यक्ति को कुछ कर पाने और दुनिया के साथ संवाद स्थापित करने में मुश्किल होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया की लगभग 15% आबादी या अनुमानित 1 बिलियन लोग किसी न किसी रूप से दिव्यांग हैं। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार भारत की दिव्यांग आबादी 2.68 करोड़ है, जो जनसंख्या का 2.2% हिस्सा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि दिव्यांगों को स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाओं तक पहुंचने में निम्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर में 200 मिलियन लोगों को चश्मे या अन्य लो विजन वाले डिवाइस की जरूरत होती है, पर उनकी पहुंच इन तक संभव नहीं होती। दुनिया में 70 मिलियन लोगों को व्हीलचेयर की जरूरत है, लेकिन केवल 5 से 15% के पास ही व्हीलचेयर है। वैश्विक स्तर पर 360 मिलियन लोगों को मध्यम से गहन श्रवण हानि होती है और श्रवण सहायता की वैश्विक जरूरतों का केवल 10% हिस्सा ही पूरा हो पाता है। यूनेस्को के अनुसार विकासशील देशों में 90% दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। WHO का कहना है कि दिव्यांग लोगों में आमतौर पर खराब स्वास्थ्य, निम्न शिक्षा स्तर, कम आर्थिक अवसर और बिना दिव्यांगता वाले लोगों की तुलना में गरीबी की दर अधिक होती है। WHO यह भी कहता है कि दुनिया भर में दिव्यांगों की संख्या बेहद तेजी से बढ़ रही है और यह आबादी से जुड़ी प्रवृत्तियों तथा पुरानी स्वास्थ्य स्थितियों में वृद्धि और कुछ अन्य कारणों से हो रहा है।